हाँ हल्का सा नमक इसलिए होता है क्योंकि अंदर तक फैल जाए और स्वाद वहीं का वहीं खाए। आप तो विदाउट योग नहीं खाएंगे मगर हम आपको खिलाएंगे फ्लॉपी आमलेट, ठीक है जी, और इसके अंदर योग भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम आ रखे पुरानी दिल्ली में आ रखे भाई हम अपने सिकंदर भाई के पास, जो कि भाई बहुत ज़्यादा यूनिक ऑमलेट खिलाता है, हर महीने दो महीने में नए नए वैरायटी लाते हैं। तो भाई चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और देखते हैं क्या उन्होंने यूनिक नया ऑमलेट निकाला और आपको भी दिखाते हैं। हेलो भैया। हाँ जी भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो आज क्या स्पेशल खिलाने वाले हो? देखिएगा, आपने दौलत की चाट तो बहुत खाई है मगर दौलत की चाट जैसा ऑमलेट वो एक अलग सा फ्लेवर है और उससे फ्लपी ऑमलेट कहते हैं, वो बड़ा प्यारा सा बनता है और वो भी विदाउट योग में बनता है और ऐसे फ्लेवर कभी कभार बनाने में और बड़े खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। ये हैदराबाद की आइटम है और हैदराबाद से चलती चलती दिल्ली तक आई और दिल्ली की गलियों के अंदर पुरानी दिल्ली के मसाले और वो हैदराबाद का फ्लपी ऑमलेट। आइएगा, स्वाद की ओर चलते हैं और अंदाज और स्वाद दोनों बिल्कुल ऐसे देंगे जो अपने आप में एक महीने रखते हैं और स्वाद को देने में बड़ा आनंद आएगा। आइएगा विदाउट योग फ्लपी ऑमलेट। विदाउट योग बनेगा? जी हाँ। देखिए मैं योग भी लगाऊंगा, बगैर जिम का जो खाएगा उसके लिए विदाउट जिम भी विदाउट योग भी खिलाऊंगा और उस स्वाद को जरूर दिखाऊंगा मैं फ्लफी ऑमलेट में, ठीक है जी। आइएगा, उस योग को हटाते हैं और योग के बगैर बनाते हैं इसको और उसका एक स्वाद फ्लेवर भी आपको दिखाते हैं आपके लिए। ये भाई देख लीजिए, जो अंदर का येलो पार्ट होता है उसको बिल्कुल हटा लिया गया है, अलग अलग हटा रहे हैं। कितने अंडे डलेंगे इसमें? चार अंडों का ऑमलेट होने वाला भाई ये। देखिएगा मैंने चार एक तो डाल दिए, अब इसको फ्लफी ऑमलेट में कहे जा रहा हूँ स्वाद को बनाने के लिए और वो जो दौलत की चाट है वो भी उसी तरीके से बिल्कुल तैयार होगा और आपको दिखाऊंगा कि ये झाग ही झाग नज़र आएगी और जब दौलत की चाट बनती है और तो उसका स्वाद और आनंद क्या चीज़ आती है मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। ये खास इसी मशीन के लिए ऑमलेट बना है और मशीन भी ऐसी है जो ऑमलेट को पूरा तैयार करती है। पहले ऐसे ही ये झाग तैयार होती है और बिल्कुल फ्लफी झाग फूलते उस हिसाब से बन जाता है फ्लफी ऑमलेट और स्वाद के अंदर फिर डलते हैं पुरानी दिल्ली के जायके और मसाले, मैं वो भी लेके खड़ा हूँ और उस स्वाद को देता हुआ चलता हूँ, ऐसे ही उस स्वाद को खिलाता हूँ, वही जायका और वही पुरानी दिल्ली के मसाले जो बाऊजी वाले हैं और उन्हीं के नाम से आज तक ये स्वाद बिकते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई पूरा झाग बन चुका है ऑमलेट का। अब आप अपने व्यूअर्स से ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी एक दौलत की चाट बनती है क्या, उन्होंने खाई है? मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बिल्कुल भाई कमेंट में जरूर बताना कि किसने दौलत की चाट खाई है जो ऐसी बनती है, मैंने तो खाई है भाई, आप अपना बताना। ठीक है जी, और ऐसे ही वो ऑमलेट रेडी होता है फ्लफी ऑमलेट। इसमें मैंने नमक डाला और एक बार और करूँगा। हाँ हल्का सा नमक इसलिए होता है क्योंकि अंदर तक फैल जाए और स्वाद वहीं का वहीं कायम रहे, ठीक है जी। आइएगा उस बेकिंग की ओर चलते हैं और उसको रेडी करते हैं। क्वार्टर मक्खन, ये भाई साहब लोग बाग विदाउट जिम के जो आते हैं वो विदाउट योग के खाते हैं मगर हम आप तो विदाउट योग नहीं खाएंगे मगर हम आपको खिलाएंगे फ्लफी ऑमलेट, ठीक है जी। और इसके अंदर योग भी फिट करेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि आदमी यहाँ तक आए और क्या यार पूरे काम नहीं करा और अधूरा क्यों छोड़ दिया तुमने, तो मैं अधूरा नहीं खिलाऊंगा, उस योग को भी फिट करूंगा अच्छी तरीके से। ओ भाई साहब ये देख लीजिए भाई, ये योग को भी बिल्कुल साइड में डाल रहे हैं जिसकी वजह से भाई ऑमलेट देखने में भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है जी। ये चारों योग्स मैंने डाल दिए हैं, अब आइएगा इसकी मेकिंग करते हैं पुरानी दिल्ली मसालों के साथ क्योंकि यहाँ के मसाले ही मेन हैं और वो बाऊजी वाला मसाला जिनके आशीर्वाद से एक चुटकी डालते ही उस स्वाद के तीन जायके और बढ़ जाते हैं। प्याज स्पेशल मसाला है बिल्कुल, प्याज, ये मिर्चे, ये अदरक, ये धनिया, ये टमाटर, ठीक है जी, नमक, लाल मिर्च और ये वही बाऊजी वाला मसाला है जो 15 से 18 मसाले हम भून के बनाते हैं ऑमलेट के लिए, मतलब वही पुराना स्वाद है। जी हाँ, ये वही जायके हैं जो गलियों के अंदर नहीं, हमारे बाऊजी के हाथ के स्वाद है, मैं उसी स्वाद को लेके खड़ा हूँ। और ये पनीर,
आइएगा इसको और तसल्ली से सेकते हैं, क्योंकि ये टूटे नहीं, इसलिए इसको आराम से पलटा जाता है और तसल्ली से दिया जाता है। 5 मिनट और सेका जाएगा हल्की सिकाई पे। कटिंग भी कर दी गई? अभी बहुत चीज़ें लगेंगी सर, आप मेरे साथ चलिएगा। ऐसी नहीं है, मैंने जैसे तंदूरी लगाई है ऐसे इसके अंदर मेल्टेड चीज़ भी लगेगी। ये मेल्टेड चीज़ भी आ गई आपके आगे। इस स्वाद को बनाने के लिए अलग अलग जायके दिए जाते हैं और इटालियन स्वाद के लिए इसके अंदर ऑर्गेनो फ्लेक्स भी डाला जाएगा। ये लीजिएगा आपका फ्लफी ऑमलेट ऐसे ही तैयार हो जाता है। और आइएगा फ्लफी ऑमलेट की बाकी की प्रेजेंटेशन करते हैं और स्वाद को खिलाते हैं। ये भाई तैयार हो गया ऑमलेट। ऑमलेट क्या, अभी तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी सर। ऑर्गेनो फ्लेक्स डालो। ये 2 केचप हैं, 2 ग्रीन वाली हैं और 2 बाकी इटालियन स्वाद ऑर्गेनो फ्लेक्स। जाएंगे 4 स्लाइस साथ में आएंगे। ये 4 अंडे का ऑमलेट है और चीज़ वगैरह सब लगेगी इसी के अंदर। 150 का ऑमलेट है। ये लीजिएगा उस जायके के साथ फ्लफी ऑमलेट। एड्रेस बता दीजिए यहाँ पर। देखिएगा मेरा टाइमिंग रहता है 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। आपने आना है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाजार। 20 से 25 दुकानें आप आएंगे, सीधे हाथ पे छोटे भाई की दुकान है जो ऑमलेट की वैरायटी के लिए जानी जाती है, सिकंदर ऑमलेट। और मुझे कहते हैं यहाँ पर स्वाद का सिकंदर। आप आइएगा उस स्वाद को चखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या रहा, कैसे अपने व्यूअर्स को बताएंगे आप, देखिएगा। भाई आप देख सकते हैं भाई ऑमलेट हमारा भाई रेडी हो चुका है। आप भाई इसको देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो इसको भाई टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। भाई इसको हम टेस्ट करेंगे भाई, पहले तो बिना ब्रेड के टेस्ट करेंगे। भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक टेस्ट आ रहा है अंदर। ये जो भाई फ्लफी ऑमलेट बना हुआ है इसके अंदर जो झाग वगैरह से बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा काफ़ी बहुत अच्छा ही टेस्ट आ रहा है। भाई हम इसे भाई ब्रेड के साथ एक भाई टेस्ट कर लेते हैं। भाई ब्रेड के साथ भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो वैसे भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। भाई सॉस वगैरह दी गई, जिसको सॉस का खाना वो खा सकता है। तो भाई मुझे तो ऑमलेट बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।